हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। एंड मैं सुबह उठ गई थी, मतलब मैं जग जग के सो रही थी। भाभी जो सुबह 5 बजे उठ के सब कुछ कर रही है, भाभी एंड मम्मी। एंड सो विदाउट एनी फर्दर अडू एंड वेस्टिंग टाइम, चलो आज का व्लॉग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। एंड इट्स ऑलरेडी 8:10 एंड हम लोग को 9 बजे निकलना है। सो मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ, मैंने फ्रेश हो लिया है एंड प्लीज इग्नोर माई पफी आईज एंड सोलन फेस बिकॉज सुबह उठती नहीं हूँ, हैबिट नहीं है इतना जल्दी उठने का। सो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड मेरा सुबह उठ के इतना जुकाम टाइप का लगता है ना, लाइक आई कैन एक्सप्रेस। एंड बहुत ही बेसिक सा आउटफिट है, बाकी मैं ऑर्डर दिखाते हैं। भाभी ने चाय दिया है, चाउमिन देगी सो दिखाते हैं। सो दिस इज़ माई आउटफिट, बहुत ही बेसिक से है, जॉगर्स एंड हुडी एंड अंदर में थर्मल है बिकॉज थोड़ा देर के लिए गर्मी भी लगता है तो दैट इज़ ओके। बट सिलीगुड़ी में लैंड करके वन हम लोग ऊपर जाएंगे, तो ऊपर मतलब पहाड़ में उठेंगे तो फिर से ठंडा लगेगा। सो इट्स अच्छा पहले से प्रिकॉशन ले लो। एंड ये आपको मेकअप वेकअप मन नहीं है करने का, सो चाय पी लेते हैं एंड ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर निकल के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो भाभी ने सुबह ब्रेकफास्ट दे दिया है, जो कि मेरा खाने का बिल्कुल आदत नहीं है, और खाना पड़ेगा बिकॉज लैंड करते करते लेट हो जाएगा, तो इसलिए मतलब पहुँचते सो ब्रेकफास्ट करके ही जा रहे हैं। एंड स्कूल टाइम पे तो सुबह उठ कर खाते ही नहीं थे, चाय पी लेते थे एंड अगर मम्मी पूरी वूरी बनाती थी तो वो एक दो खाते थे। नॉर्मली आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट इतना अर्ली, मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम 10-11 बजे है, सो फटाफट खा लेते हैं। बस मीठे ही खावा शुरू हो शुरू। अरे क्या कर थोड़ा खाना बाबू देख दिया ये देखो। किस लिए दवाई खा रहे हो? मम्मी के लिए। प्रिकॉशंस फर्स्ट। बात
আমাদের ব্লগার অঞ্জলি প্রবলেম হয়ে গেছে আর বহুত কিছু করনা পড়া চেকিং লোডিং পাস ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স হ্যাঁ ঘুরে যাও অসুবিধা নেই এখন যখন নিচে আমরা ভিতরে চলে যাব উড়বে না স্পিডে আছে টেক অফ করবে কিসমত মানে রেকর্ড করনা কে মাকে পাঠিয়ে দাও মায়ের কাছে বাবুকে আমি হাম লোক বাস মে আ গে এন্ড আমি হাম লোক যা রে ফ্লাইট মে উসকে বাদ দিখাতে হ্যায় ব্লগ কন্টিনিউ করতে হ্যায় পহলে জাকে আচ্ছে তো ব্যাঠ জায়ে উসকে বাদ উই উইল কন্টিনিউ দা ব্লগ এইটা সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবো কিন্তু ওই সামনে দাঁড়িয়ে ছবি মাস আবার চেকিং হবে নাকি না আই থিঙ্ক ওই দিকের ইন্ডিগোটা যা ফলস খেয়ে গেলাম ফলস খেয়ে গেলাম এটা শুধু ফ্লাইটের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো আর দার্জিলিং ব্লগ তো পরে শুরু হবে দার্জিলিংয়ে আলাদা ব্লগ শুরু হবে আচ্ছা কি এটাও না এ মা দুবার ফলস এটা তো আরোই না এটা তো অন্য না হ্যাঁ এটা তার এটা গো এর এবার আর ফলস খাইনি থাম 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 হ্যাঁ ফলস খাইনি ইয়ে সো ইয়ে বলাই হ্যাঁ ফলস নেই খাই আব আমলো কটন কি আর
सो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं एंड द एक्सपीरियंस इज रियली नाइस. थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज फर्स्ट टाइम है हम लोगों का फ्लाइट में जर्नी. सो द एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस एंड ये है आउट ऑफ व्यू एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मुझे विंडो सीट मिला है. मैं पहले थोड़ा नर्वस थी कि कैसा क्या एक्सपीरियंस होगा बट आई एम लविंग इट.
जल्दी जल्दी